हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट की कुछ वैकेंसीज गाइस आपकी निकली हुई हैं, अभी हाल ही में करंट में फॉर्म आए हैं। गाइस आपको फॉर्म ये कब से फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये कैसे फॉर्म फिलअप करना है, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो गाइस आपको ये वीडियो पूरा देखना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। मैं आपका जैसे मैं ना लेते वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड सबसे पहले आपको अपने गूगल में आ जाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको फिलअप करना है sarkarrezult.com। इतना फिलअप करने बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ। गाइस ये फर्स्ट देखिए sarkarrezult.com, तो आपको ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर लेना। तो मैं सर्च पे क्लिक कर लेता हूँ एक बार दो। तो गाइस देखिए, गाइस आप साइट देख रहे हैं sarkarrezult.com, गाइस जी ऑफिशियल साइट है। आप इस साइट पे आके अपने गवर्नमेंट जॉब की और भी जो वैकेंसीज आपकी आती हैं उसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है? गाइस नीचे आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लेटेस्ट जॉब्स पे राजस्थान हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिएगा राजस्थान हाई कोर्ट वेरियस पोस्ट। अगर आप पोस्ट डेट की बात करें 20 मार्च है यहाँ पे, ठीक है? ये फॉर्म आजकल में आए हैं, मैं आपको सबसे पहले न्यूज दे रहा हूँ। तो गाइज ये देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब लेनी है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिए गाइड, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है मैं आपको सबसे पहले अलग से वीडियो आपके लिए बना देता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो फिर नीचे आइए, देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार एप्लीकेशन बिगिन 30 तारीख 3/3/2020 से ये फॉर्म गाइज मतलब कि स्टार्ट हो जाएंगे आपके मतलब होने, ठीक है? 30 तारीख से मतलब इसी महीने से 3 तारीख को मतलब तीसरे महीने की मतलब 30 तारीख को ये फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है? अगर आप किसमें लास्ट डेट की बात करें हम, तो 27 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी, अप्रैल के महीने की आपकी लास्ट डेट रहेगी 27 तारीख की, 27 अप्रैल की लास्ट डेट है, ओके? शाम को 5 बजे, गाइस ध्यान दीजिएगा, शाम को 5 बजे 27 तारीख को अगले महीने ये डेट है जो इसकी फिनिश हो जाएगी। 27 तारीख को 5 बजे के बाद शाम को इवनिंग के बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है? अगर इसमें आपकी अप्लीकेशन फीस की बात करें हम, तो जनरल ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस रहेगी इसमें, और एससी एसटी जो कास्ट होती है उनके लिए 350 रुपये फीस रहेगी, 350 रुपये फीस, और जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये फीस इसमें आपकी दी गई है, ठीक है? अगर इसमें आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए गाइस, तो इसमें देख लीजिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम, आपके पास गाइस बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपके पास बी ए बी एस सी बी कॉम आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ओनली, ठीक है? आपने किसी भी स्ट्रीम से की हो, इसमें गाइस आपके मार्क्स का बिल्कुल दिया नहीं, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, 60 होने चाहिए, आपके कितने भी मार्क्स हों इसमें आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखिए गाइस एज लिमिट की इसमें अगर आपकी बात करूँ मैं, तो गाइस आपकी जो एज इसमें 18 से 40 ईयर आपकी एज होनी चाहिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 1/1/2021 गाइस, मतलब जो कि जो अगला साल आएगा 2021 से लेके जो क्या कहते हैं 2021 से और अब तक का मतलब कि काउंट होएगा इसमें, तो आप देख लीजिएगा 18 से 40 साल के अंडर में, ठीक है? जो आपकी एज है 18-40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, 18 से कम आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे, ठीक है? और गाइस देखिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रोल्स, और जो भी एस सी एस टी से हैं, ठीक है, उनको उनकी योग्यता के अनुसार अलग से छूट दी जाएगी, ठीक है? तो वो जो घबराए ना, अगर आपकी एज इसमें ज़्यादा है जो एस सी एस टी से है उनको अलग से इसमें छूट दी गई है, तो आराम से आप नोटिफिकेशन क्या कहते हैं आराम से देख लीजिएगा, आपको 4-5 साल की छूट कम से कम इसमें दी गई होगी, आराम से आप देख लीजिएगा। अगर आप इसमें पोस्ट की बात करें हम कि पोस्ट कौन सी इसमें आपको पोस्ट दी गई है, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की आपको इसमें पोस्ट मिल जाएगी, आपको कलर्क ग्रेड सेकंड की पोस्ट मिल जाएगी, जूनियर असिस्टेंट की आपको पोस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, और कलर्क ग्रेड की बात मिल जाएगी आपको पोस्ट यहाँ पे, कलर्क ग्रेड सेकंड की पोस्ट मिल जाएगी, जूनियर असिस्टेंट की बात मिल जाएगी पोस्ट आपको यहाँ पे, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आप टीएसपी आराम से आप देख लीजिएगा, ओके? इसमें आपकी टोटल वैकेंसी की बात करूँ आप, किसमें 1760 वैकेंसी आपकी टोटल इसमें दी गई, यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल्स 1760 आपकी टोटल वैकेंसी इसमें फ्रेंड्स, ठीक है? और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट आपकी 268 वैकेंसी है, कलर्क ग्रेड में आपकी 8 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट में आपकी 18 वैकेंसी है, और सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी इसमें कलर्क ग्रेड में है गाइस, इसमें आप पक्का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 1056 है इसमें, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें फ्रेंड्स, ओके? और मैं आपके फॉर्म की बात करूँ, आपके फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको आपको मैंने ऊपर बता दिया, आपको मैं एक बार और बता देता हूँ, जबकि फॉर्म है फ्रेंड्स ये लिंक एक्टिवेट 30/3/2020, आपके जो फॉर्म है गाइस ये 30 तारीख से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है?
तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपके जो फॉर्म है 30 तारीख से स्टार्ट होने हो जाएंगे, मतलब फिलअप होने। गाइस आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना आता है, जिन मेरे भाइयों के पास घर पे लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जब भी फॉर्म स्टार्ट है मतलब कि हो जाएंगे गाइस, मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप वीडियो देख के आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, में वीडियो को पक्का लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपके लिए मैं वाली वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है, जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है और आपके लिए बहुत काम आती है, ठीक, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गाइस जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।